हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वेब टेक इन दिप चैनल। तो आज का हमारा एजेंडा है बैच क्लासेस को कवर करना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैच को हेडिंग के अंदर यूज किया गया है, देन इसके अलावा बटन के अंदर यहाँ पे बैच की पोजीशनिंग की गई है। तो देख सकते हो आप बैच का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और क्रिएट करते हैं इन सभी बैच को। तो मैं यहाँ पर अपने वी एस कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पर हमने स्टार्टर टेम्पलेट ले रखा है, तो बैच हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे H1 टैग लिया और इसके अंदर हम मैं कुछ टाइटल दे देता हूँ, दिस इज़ हेडिंग। और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं बैच। तो बैच के लिए आपको यहाँ पे लेना है स्पैन टैग और यहाँ पे आपको क्लास ऐड करनी है बैच। ओके, और यहाँ पे आप चाहो तो नंबर टेक्स्ट कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पर दे दिया बैच। ओके, सेव करते हैं। सबसे पहले रन कर लेते हैं batch.html को। तो ये देख सकते हो आप, ये हमारा हेडिंग आ रहा है बट बैज नहीं आ रहा है। बैज भी आ रहा है हमारा, ये रहा बैज, बट हमने इस पर कोई बैकग्राउंड नहीं दिया है इसलिए ये वॉइड सा आ रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड दे देते हैं। हमने यहाँ पे बैकग्राउंड दे दिया लाइक 10 से। बैकग्राउंड के लिए आपको वही बीच बैकग्राउंड वाली क्लासेस देनी है, इसके लिए अलग से कोई क्लास नहीं है। बीजी डेंजर करके यहाँ पर क्लास है। ओके, बीजी डेंजर यूज कर लिया। तो हम क्या करते हैं, हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैंने इसे किया कॉपी और इसे H1 से H6 तक पेस्ट कर देते हैं। H2, H3, H4 के अंदर हमने पेस्ट किया, H5 और ये रहा हमारा H6। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। बीच डेंजर यहाँ पे हमने कर दिया, वार्निंग, इन्फो यहाँ हमने कर दिया, सेकेंडरी, डार्क यहाँ पर हमने कर दिया, लाइट। ओके, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देख सकते हो आप, हमारे पास कलर कलर के बैजेस आ चुके हैं। ये लाइट वाला आप देख सकते हो, इसका टेक्स्ट जो है विजिबल नहीं है। तो टेक्स्ट के लिए हमने टेक्स्ट वाली भी क्लासेस पढ़ रखी है। हाँ, यहाँ पर मैं टेक्स्ट डेंजर कर देता हूँ। ओके, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, हमारा बैज दिख रहा है लाइट सा और इस पर टेक्स्ट आ रहा है रेड। तो इस तरीके से आप बैच को हेडिंग में यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो बटन में यहाँ पे यूज किया गया है, हम भी देख लेते हैं बटन में। तो बटन क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले लेना होता है बटन टैग और इस पर लगानी होती है BTN क्लास और BTN- कलर का नेम, कोई भी कलर आप यूज ले सकते हो। हमने ले लिया प्राइमरी। और यहाँ पर हमें क्या करना है, बैच भी लेना है। उसके पहले हम टेक्स्ट लिख देते हैं नोटिफिकेशन, और बैच के लिए हमने लिया स्पैन, यहाँ पर हमने लिया बैच क्लास। बैच के साथ हमें बैकग्राउंड भी देना होगा, तो हमने ले लिया PG वार्निंग। और यहाँ पे हमने नंबरिंग दे दी लाइक 12, सेव किया हमने और रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र को। तो ये देख सकते हो आप, बैच आ चुका है हमारा नोटिफिकेशन के साथ। हम क्या करते हैं, हम इस बटन को कॉपी कर लेते हैं। हमने इस बटन को कॉपी किया, पेस्ट कर लिया हमने, और यहाँ पे BG हमने चेंज कर दिया, हमने कर दिया इन्फो। ओके, और यहाँ पे हम ले लेते हैं बटन वार्निंग, सेव किया हमने और रिफ्रेश किया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारे पास दूसरे कलर का बटन आ चुका है। और हम क्या चाहते हैं, ये जो हमारा है थोड़ा राउंडेड में है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे राउंडेड पिल क्लास यूज कर सकते हो। ये हमने क्लासेस पढ़ी हुई हैं पिछले ट्यूटोरियल में। ओके, तो ये देख सकते हो आप, राउंडेड पिल अप्लाई हो चुका है इस पर। इसके अलावा आप बटन की पोजीशनिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा इनबॉक्स पे आ रहा है वो टॉप पे आ रहा है, तो चलिए इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले एक चाहिए बटन, कॉपी किया हमने, हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले चाहिए बटन, बटन हमने ले लिया इन्फो कलर का, और उसके अंदर हमें चाहिए क्या, बैच। तो मैंने बैच लिया और इस पर डेंजर क्लास अप्लाई कर दिया और राउंडेड पिल भी है। ओके, यहाँ पे हम टेक्स्ट चेंज करके इनबॉक्स कर देते हैं, सेव किया हमने और रिफ्रेश करते हैं। हमने रिफ्रेश किया तो ये देख सकते हो आप, ये हमारा आ रहा है यहाँ पे, बट हमें क्या करना है, इसकी पोजीशनिंग चेंज करनी है। तो पोजीशन चेंज करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लगाना होगा क्लास पोजीशन रिलेटिव, यानी इसे आप इसके रिलेटिव में एब्सोल्यूट करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने लिया पोजीशन एब्सोल्यूट क्लास,
ये सारी क्लासेस बूट स्ट्रैप में डिफाइन की गई है। ओके और इसकी पोजीशनिंग भी दे सकते हो आप, जैसे टॉप से कितना रखना है, बॉटम से कितना रखना है। हमने यहाँ पे कर दिया है स्टार्ट से जो है 100 हो, यानी ये हमारा लेफ्ट से 100 चला जाए, और टॉप से जो है 0 रहे। ओके हमने सेव किया और रिफ्रेश करते हैं, तो ये देख सकते हो आप ये यहाँ पे आ रहा है। इस पर आप ट्रांसलेट मिडल क्लास अप्लाई कर सकते हो थोड़ी, ताकि सेंटर में आ जाए थोड़ा। ट्रांसलेट मिडल सेव किया हमने और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देख सकते हो आप बिल्कुल सही जगह पे चला गया है, जैसे हमारा यहाँ पे आ रहा था। आप चाहो तो इसमें भी प्लस ऐड कर दो, यहाँ पे हमने कर दिया 12+, सेव किया हमने और रिफ्रेश करते हैं, तो ये रहा हमारा बैच। इस तरीके से आप बैच को यूज कर सकते हो। इसके अलावा और कौन कौन से बैच दिए गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे कलर के दिए गए हैं, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर लिया है, और बैच बिल भी हमने कवर कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।